सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। वेलकम टू बैक रियल ज्ञान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माई टीम 11 ऐप पे OTP नहीं आ रहे तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में माई टीम 11 एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर एक ऑप्शन आएगा ऐप का, ऐप पे क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन आएगा मैनेज ऐप का, इसमें आपको आना है। मैनेज ऐप में दोस्तों आएंगे, उसके बाद में आपके मोबाइल में जो भी ऐप रहती है वो आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली ऐसे आपको माई टीम 11 ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन आएगा क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन का डाटा रहेगा, वायरस रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा ऐप परमिशन का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन की जितनी भी परमिशन देखने को मिल रही है उन परमिशन को अलाउ करना है, परमिशन अलाउ कर देंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल में इस एप्लीकेशन के OTP रहेंगे, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके भी मोबाइल में इस एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस पर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके।